घर में कोई भी होली मलपुआ के बिना पूरे नहीं होती। कुरकुरे किनारे वाले तले हुए पैनकेक और चीनी की चटनी में नरम खेंदर, ये विशेष अवसरों के लिए एक बोगी मिठाई है। चलिए अब रेसिपी चेकआउट करते हैं। एक प्याले में एक पूरा केला डालिए और अच्छी तरह से मसाल लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा सौंफ के बीज का पाउडर और टेस्ट के लिए नमक डालिए। अब एक कप सूजी, एक कप मैदा और थोड़ी सी फिसी हुई इलायची डाल दीजिए। एक कप दूध डालिए, मिलाइए। आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। शुगर सिरप बनाने के लिए एक कप चीनी, इलायची का एक टुकड़ा और दो कप पानी डालें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि ये बुरा बुराने ना लगे, और इसे तब तक बुरा बुराने दे जब तक कि ये एक स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी बन जाए। स्टफ को बंद कर दें और इसे एक तरफ रख दें। तेल के लेवल डीप फ्राई से नीचे और शैलो फ्राई से ऊपर होना चाहिए। एक्यूरेटली 1/3 पीक से होना चाहिए। तेल गरम करें। तेल गरम होने पर एक चम्मच मालपुआ का गोल डालें। देखें कि ये कितना सुनहरा है। एक बार अच्छी तरह से तलाने के बाद इस खूबसूरत सुनहरे गोल को चशाने पर गिरा दें, जो इसे अधिक स्वादिष्ट बनाता है। अब आपको बस इतना करना है कि 10-15 मिनट तक प्रतीक्षा करें। अब क्विज ऑफ द डे। मैं एक पक्षी हूँ, मैं एक फल हूँ और मैं एक व्यक्ति हूँ, कौन हूँ मैं? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट करें और अगले शॉर्टकट के लिए विजेता बनें। अब आपके मुंह में पानी लाने वाली मालपुआ को सर्व करने का समय है। और इसे थोड़ी सी काजू, बादाम और इलायची से सजाए। Until the next time, stay tuned with us, enjoy with us, style with us.